राधे राधे दोस्तों, गुरु विद उपासना मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी लौकी की इडली बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये झटपट बनके तैयार होती हैं, सभी को बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लौकी की इडली बनाने के लिए हम एक कंटेनर में 1 कप सूजी डालेंगे, 1/2 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 1/2 कप बेसन डालेंगे, 1 कप कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे, 1/4 कप कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बारीक कट की हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कट की हुई 2 से 3 चम्मच हरा धनिया डालेंगे, 1 नींबू का रस डालेंगे, 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप नींबू के रस के जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, लौकी में भी पानी होता है। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। हमने गैस पे एक इडली कुकर रख दिया है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और इसे ढक देंगे, उबाल आने देंगे। हमने यहाँ पे एक इडली ट्रे लिया है। हम इसमें तेल डालेंगे और हर एक मोल्ड को ग्रीस करेंगे। अब हम एक मोल्ड में 2 चम्मच इडली का मिक्सचर रखेंगे, फैला देंगे। हमने दोनों ट्रे के हर एक मोल्ड में इडली का मिक्सचर भर दिया है। अब हम इडली कुकर को खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें इडली ट्रे रखेंगे। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इडली को चेक करेंगे। हम एक इडली के अंदर चाकू डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा चाकू एकदम साफ है, इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इन्हें बाहर निकालेंगे। अब हम इन्हें हल्का ठंडा होने देंगे। ये हल्के ठंडे हो गए हैं। अब हम चम्मच की मदद से इन्हें निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये मोल्ड से बाहर आ गई हैं। तो लीजिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लौकी की इडली बनके तैयार है। आप इसे सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ, टमेटो केचप के साथ सर्व करिए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।